कॉन्गीज हार्वेस्ट कुवोले सोयंका ने लिखा है 1965 में, और इस प्ले का प्रीमियर हुआ था फर्स्ट नीग्रो फेस्टिवल में दाकर और स्नेगल में इन अप्रैल 1966। चलिए इस प्ले के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है कॉन्गी का। कॉन्गी ये एक डिक्टेटर है। कॉन्गी एक बहुत ही एम्बिशियस एंड रुथलेस इंसान है। ये इस्मा लैंड का किंग बनना चाहता है। ये एक अच्छा लीडर नहीं होता है क्योंकि ये बस अपनी कॉन्गीइज्म की इमेज को प्रमोट करना चाहता है, मासूम लोगों को मारकर, उन्हें डराकर, धमकाकर। और ये इस्मा लैंड के लोगों की या इस्मा की डेवलपमेंट की कुछ नहीं पड़ी है इसे। कॉन्गी की गवर्नमेंट तानाशाही और अत्याचार होती है। कॉन्गी सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन एंड नेगेटिविटी को। ये किंग डनलोला के बाद अब राजा बनना चाहता है और ये ट्रेडिशंस को खत्म करके अफ्रीका को मॉडर्न बनाना चाहता है। कॉन्गी को पोज करना प्रेस के फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा लगता है और इसे सेरेमनीज भी अटेंड करना बहुत पसंद है। अगला कैरेक्टर है किंग डनलोला का। ये एक ऑटोक्रैट है। डनलोला का पूरा नाम है ओबा डनलोला। ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर था इस्मा लैंड का। ये लोगों के सुपरस्टिशियस नेचर के जरिए इस्मा लैंड पर राज करता है। मतलब लोग किंग डनलोला को एक स्पिरिचुअल लीडर समझते हैं कि अगर डनलोला के खिलाफ कुछ किया तो उन्हें गॉड से पनिशमेंट मिलेगी। डनलोला ने एक स्पीच भी दी थी प्रोवर्ब्स के माध्यम से, जिसमें वो कहता है कि वाइज मैन को ये जान लेना चाहिए कि उसे कॉन्गी और मेरे बीच में किसे चुनना चाहिए। और किंग डनलोला की स्पीच से ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो कॉन्गी की रूलरशिप को, उसके रूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अगला कैरेक्टर है डाउडू का। ये डनलोला का नेफ्यू है और नेक्स्ट हायर भी होता है राजा के थ्रोन के लिए। डाउडू ग्रो करता है याम अपने फार्म में, याम यानी के रतालू। डाउडू का कैरेक्टर डिप्लोमेटिक है और करेजियस भी। डाउडू का सोशल स्टेटस काफी हाई है और इसी की वजह से वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करता है। डाउडू बहुत होशियार भी है क्योंकि ये कॉन्गी के सेक्रेटरी फेमी जॉनसन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है जो भी ये लेना चाहता है। डाउडू प्यार करता है सेगी से और वो ज्यादातर अपना टाइम सेगी के बार में बिताता है, और ये उसके लिए एक सॉन्ग भी डेडिकेट करता है जिसमें वो सेगी को एज अ सेक्स गॉडेस प्रेजेंट करता है, जो कि डेंजरस है। डाउडू के अरेस्ट की प्लानिंग चल रही होती है क्योंकि उसे कॉन्गी की गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट समझा जाता था। अगला कैरेक्टर होता है सेगी का। ये इस प्ले की एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। ये डाउडू से प्यार नहीं करती है लेकिन डाउडू करता है। ये एक बार ओनर होती है और ये कॉन्गी की एक्स लवर भी होती है। अब ये डाउडू और सेगी दोनों ही अपोज करते हैं कॉन्गी की डिक्टेटरशिप को। सेगी एक पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है। सेगी एक प्रिजनर की बेटी है जो जेल से भाग गया था। अब ये जो सेगी होती है वो बार में सेक्रेटरी को वेलकम करती है और उसे ड्रिंक्स पिलाती है, वो भी काफी देर तक। अब अगला कैरेक्टर है खुद सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी जिसका नाम था फेमी जॉनसन, ये एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है जिसे कॉन्गी ने रखा है अपनी कॉन्गीइज्म की इमेज को प्रमोट करने के लिए। सेक्रेटरी इलीगल रास्ते यूज करता है कॉन्गीइज्म को प्रमोट करने के लिए। सेक्रेटरी तो ये कॉन्गी का है लेकिन ये डनलोला के साथ भी बना के रखता है ताकि जीत किसी की भी हो फेवर सेक्रेटरी को ही मिले। सेक्रेटरी को लव स्लोगन्स बहुत पसंद है तो ये इसी की लैंग्वेज में लव स्लोगन्स के जरिए कॉन्गी की तारीफ करता है। अब सेक्रेटरी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सेल्फ सीकिंग कैरेक्टर है, तो ये जो दूसरों के आइडियाज होते थे उसे भी ये अपना आइडिया कहकर कॉन्गी के सामने प्रेजेंट करता था ताकि वो अपनी इमेज को कॉन्गी के सामने अच्छा बता सके, उसे इम्प्रेस कर सके। सेक्रेटरी बहुत ही क्लेवर है क्योंकि उसे सिचुएशंस को टैकल करना आता है। कैरेक्टर्स हो गए, अब इस प्ले की समरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉन्गीज हार्वेस्ट, जिसे वोले सोयंका ने लिखा है, ये एक ऐसा प्ले है जिसके लिए वोले सोयंका को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है एज ए ड्रामेटिस्ट। ये इंग्लिश लिटरेचर का वो प्ले है जिसे बार बार एनालाइज किया जाता है, यानी इसकी डिटेल्स को केयरफुली समझा जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है।
कॉन्गीज़ हार्वेस्ट प्ले बेस्ड है एक सिचुएशन के ऊपर जो अफ्रीका में बनी थी कोलोनियलिज्म के बाद, यानी जब ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की थी अफ्रीका के ऊपर वहाँ कॉलोनी सेट करके, और फिर जब बाद में अफ्रीका को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, तो उस वक्त अफ्रीका के हालात क्या थे उसके बारे में है ये प्ले। तो जब पोस्ट कोलोनियलिज्म के बाद अफ्रीकन सिचुएशन ये थी कि उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा करप्शन एंड पावर के लिए जीते थे, और इसी सेम सिचुएशन को दर्शाया गया है कॉन्गीज़ हार्वेस्ट प्ले में। इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है कॉन्गी, जो कि अफ्रीका का किंग बनना चाहता है, और कॉन्गी फुल्ली कंट्रोल करना चाहता है अफ्रीका को बिना किसी हक के, यानी कि बिना किसी राइट के, पहले वाले किंग डनलोला के बाद। अब कॉन्गी ने अफ्रीकन स्टेट को रूल करना शुरू किया उसके अपने स्टाइल में, जिसे कॉन्गीज़म कहते थे। अब इस कॉन्गीज़म के अंडर कॉन्गी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि वो अपनी कॉन्गीज़म की इमेज को प्रमोट कर सके सोसाइटी में, और उनमें से एक था कारपेंटर्स ब्रिगेड। अब ये कारपेंटर्स ब्रिगेड वालों ने कॉन्गी को क्रिश्चियनिटी के क्रिस्ट से कंपेयर किया और उसके लिए एक सॉन्ग भी बनाया उसकी तारीफ में। फॉर कॉन्गी इज आर फादर एंड कॉन्गीज इज आर मैन, कॉन्गी इज आर मदर, कॉन्गी इज आर मैन, एंड कॉन्गी इज आर सेवियर, रिडीमर, प्रिंस ऑफ पावर, फॉर इस्मास एंड फॉर कॉन्गी वी आर प्राउड टू लिव और डाई। अब इस गाने में कॉन्गी को मदर और रक्षक बोला गया है इस्मा के रहने वाले लोगों का, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कॉन्गी का एक इल्यूजन है, यानी वो ऐसा सोचता है खुद के बारे में। ऐसे गाने क्रिएट किए जाते हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए, ताकि वो धोखा दे सके मासूम और जाहिल लोगों को इस्मा लैंड के। कॉन्गी ये अपने माइंड में इल्यूजन बनाता है, यानी इमेजिन करता है कि सिर्फ इस्मा के रहने वाले लोगों को ही पैसा और ताकत मिले। कॉन्गी का जो कॉन्गीज़म था वो एक सोशियो पॉलिटिकल डिजीज की तरह अफ्रीकन कंट्रीज के लिए था। कॉन्गी इतना एम्बिशियस और इतना रुथलेस इंसान था, और वो किंग ऑफ इस्मा लैंड बनना चाहता था। अब इस प्ले कॉन्गीज़ हार्वेस्ट में दो डिक्टेटर्स होते हैं, एक ओबा डनलोला जो कि ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा होता है कॉन्गी जो कि मॉडर्न है। कॉन्गी की इमेज बहुत सिमिलर है एक्स प्रेसिडेंट ख्वामे निक्रुमा और हैस्टिंग बंडा से, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल लीडर्स थे घाना और मलोर के, और ये दोनों ही लीडर्स ऑब्सेस थे इस बात से कि कैसे अपनी इमेज को बिल्ड किया जाए, और यही इमेज बिल्डिंग को कॉन्गीज़म के जरिए इस प्ले में दिखाया गया है। ये प्ले कॉन्गीज़ हार्वेस्ट कॉन्गी के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्गीज़म के बारे में है, और कॉन्गीज़म को समझने के लिए हमें कंपेयर करना होगा दोनों कैरेक्टर्स, यानी कि दोनों डिक्टेटर्स को इस प्ले के, यानी कॉन्गी जो अब किंग बनना चाहता है इस्मालैंड का, और उसका ओपोनेंट ओबा डनलोला जो पहले किंग था इस्मालैंड का। इस प्ले में कॉन्गी जो है वो कंट्रोल करता है सब कुछ। इस प्ले का सेंटर है नई याम, यानी कि न्यू याम, जो के हार्वेस्ट फेस्टिवल में उगी है। याम यानी रतालू, और कॉन्गी इस फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहा है। कॉन्गी ये ख्वाहिश रखता है कि वो इलीगल रास्ते और फोर्स को यूज करेगा ताकि ओबा डनलोला उसे सब के सामने प्रेजेंट करे न्यू याम फेस्टिवल में, जो कि ट्रेडिशन के हिसाब से ओबा डनलोला को दिया जाना चाहिए। और जब ये न्यू याम को डनलोला के हाथों कॉन्गी को दिया जाएगा, तब इस ट्रेडिशन से ये साबित हो जाएगा कि अब कॉन्गी की हुकूमत शुरू हो गई है, और कॉन्गी लीगली किंग है इस्मालैंड का। और कॉन्गी ये नहीं चाहता है कि लोग कॉन्गी को ब्लेम करें उसे दोष देके कि उसने ओबा डनलोला के ऊपर कंट्रोल करके अपनी ताकत से बिना किसी हक के राजा बन गया। कॉन्गी सेरेमनी से अपनी किंग की पोजीशन को लीगलाइज करना चाहता था, क्योंकि उसे खतरा था ट्रेडिशनल रूलर ओबा डनलोला और उसके नेफ्यू डाउडू से, जो कि अगला हायर बनने वाला था, फार्मर्स का लीडर बनने वाला था। अब कॉन्गी का जो रास्ता है रूल करने का, उसके दौरान वो एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को हायर कर लेता है, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिचुएशंस को जल्दी समझ लेने वाला और अच्छे डिसीजंस लेने वाला आदमी होता है। ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी
अपने स्पाई सिस्टम के लिए फेमस होता है, जो है राइट एंड लेफ्ट ईयर्स ऑफ द स्टेट। इस सेक्रेटरी का मेन टास्क ये है कि वो क्रिएट करे ऐसा माहौल सोसाइटी में जिसमें इस्मा के रहने वाले लोगों को ये बिलीव कराए कि कोंगी एक अच्छा राजा है जो कि अब रूल करने वाला है, और कोंगी जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव चेंज को लाएगा सोसाइटी में और इस्मा लैंड की डेवलपमेंट होगी। और इसी मकसद के लिए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने यूज किए हैं लीगल एंड इलीगल रास्ते। इस सेक्रेटरी ने कुछ लोगों को तो लटका दिया सोसाइटी के सामने जिन्होंने इनकार किया कोंगी एज ए किंग से, ताकि लोगों के दिमाग में दहशत पैदा कर सके। हर जगह इसके जासूस थे जो सोसाइटी में होने वाले सिचुएशंस के बारे में इसे इन्फॉर्म करते थे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रिश्वत देने को भी सपोर्ट करता था और जेल में जो कैदी होते थे उनकी बीवियों को उनसे मिलने की इजाजत तभी मिलती थी जब वो रिश्वत लेती थी। और इसी तरह के रास्तों को कोंगी और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने अपनाया था, बजाय इसके कि वो अपने आदमियों को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाता, वो उन्हें अपनी कोंगीइज्म की इमेज को बनाने के काम में इन्वॉल्व करता था और उन लोगों को मार देता था जो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करते थे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के कैरेक्टर के जरिए वोले स्वेंका ने कमेंट किया है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ऑफिशियल्स के बारे में जो कि ऐसे कंटेम्प्रेरी लीडर्स के अंडर काम करते थे। एक इंसिडेंट में वो काउंसल करते हैं रिफॉर्म्ड अवेरी फ्रैटर्निटी को कोंगी की इमेज के बारे में कि लीडर की तस्वीर ये होगी आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में, और ये फादर ऑफ द नेशन है, और यही इमेज को कल दिखाया जाएगा हार्वेस्ट फेस्टिवल में, और कल से ही ऑफिशियली 5 ईयर प्लान शुरू होगा और सब कुछ हार्मनी के साथ होगा, टोटल हार्मनी। फिर से एक दूसरे इंसिडेंट में सेक्रेटरी कहता है सभी कोंगी के सपोर्टर्स से कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी तरह हम किंग डनलोला को राजी करके उनके हाथों से कोंगी को प्रेजेंट करवाएं न्यू याम, किंग डनलोला के अपने हाथों से, जिसके लिए मैंने एक एग्रीकल्चरल शो रखा है जिसका प्राइस होगा याम, फीस्ट, बाजार, म्यूजिक और डांस, जिसको रखा गया है। सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है और वो है ओबा डनलोला। और सभी जेंटलमैन ये सुन लें, ये प्रॉब्लम आप सबकी है। अब कोंगी चाहता है कि ओबा डनलोला आए और परफॉर्म करे सारी रस्मों को कोंगी के लिए। कोंगी नजर आना चाहिए हार्वेस्ट फेस्टिवल की जान की तरह, जो कि 5 ईयर प्लान लेकर आया है। कोंगी ने रिफॉर्म्ड अवेरी फ्रैटर्निटी को भी अपॉइंट किया है जो काम करती है अपने लीडर कोंगी की इमेज को प्रमोट करने के लिए। इन लोगों के काम को फोर्थ अवेरी इन्हें बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ अपने लीडर कोंगी के नजरिए से देखा है हार्मनी को, जो ओल्ड सिस्टम है सुपरस्टिशियस फेस्टिवल का, उसे रिप्लेस करेगी ये स्टेट की सेरेमनी, जिसे लोगों की जरूरत की एक रस्म की तरह किया जाएगा। और अवेरी कॉन्क्लेव के सभी अपने बुजुर्गों के सामने आलिशान सेरेमनी में, जिसमें टोबैको का भरपूर सप्लाई होगा, उसमें आकर किंग डनलोला सबके सामने ये ऐलान करे कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टेट को रन करने में। जो पुराना वक्त था विजडम का वो अब खत्म हो चुका है, और जो सिस्टम है वो भी अपडेट हो चुका है और कई सारे नए फिलोसफीज आ चुकी हैं। और ये फंक्शन भी इसीलिए रखा गया है जिनको नहीं पता है इसके बारे में उन्हें भी ये पता चल जाए। और डनलोला जो कि एक ऑटोक्रेटिक लीडर है, वो अपने खुद के हाथों से प्रेजेंट करे लीडर कोंगी को न्यू याम, और कोंगी के सुप्रीम पावर को स्टेट के ऊपर अक्नॉलेज करे, और उन एरियाज पर भी जो कि सेक्युलर है। और इसके बाद स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोंगी की ही पॉलिसीज को फॉलो करेगी सभी इंस्टीट्यूशंस में। अब जो रिफॉर्म्ड अवेरी है वो कोंगी की मॉडर्न इमेज को क्रिएट करना चाहता है और ट्रेडिशनल इमेज ऑफ डनलोला को अपोज करता है। वो अपने आप को देखते हैं एज कॉन्क्लेव ऑफ मॉडर्न पैट्रियार्च, यानी कि एज अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मॉडर्न फादर्स जिन्होंने शुरू किया है ऑर्डर ऑफ क्लास। और वो खुद को यूथफुल एल्डर्स ऑफ द स्टेट भी समझते हैं, यानी खुद को सोसाइटी के वो यंग पीपल जो सबसे बड़े हैं स्टेट में, वो समझते हैं।
वोले सोयंका ने कोंगी के दिखावे के नेचर को और उसकी लीडरशिप के तरीकों को इम्पोर्टेंस दी है, और ये प्ले कोंगीज हार्वेस्ट एक सटायर है, यानी एक अटैक है उन लोगों पर जिनका बिहेवियर गलत है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लीडर्स। कोंगी ने हिस्ट्री को तक कंट्रोल करने की कोशिश की है, जैसे गुजरे वक्त को। कोंगी ने गुजरे हुए प्रीवियस ईयर्स को, जैसे कि 150 KH है एंड BKH है बिफोर कोंगीज हार्वेस्ट, यानी उसे वक्त पर भी अपना लेबल लगा दिया है। कोंगी ने बहुत सारे पोजेस भी दिए हैं फॉरेन न्यूज रिपोर्टर्स के लिए। कोंगी ने खुद की बहुत सारी तस्वीरों को डाला है प्रोजेक्ट्स में जिनको वो अंजाम देने वाला है राजा बनने के बाद। प्रोजेक्ट्स जैसे कोंगी टर्मिनस, कोंगी यूनिवर्सिटी, कोंगी डैम, कोंगी रिफाइनरीज, कोंगी एयरपोर्ट। अब इन सब चीजों से ये साफ समझ में आता है कि कोंगी खुद को लेकर कितना ज्यादा पॉजेसिव है, ताकि वो खुद की इमेज और नाम को बनाए। और ये सब करके कोंगी जो है वो धोखा देता है इस्मालैंड के जाहिल लोगों को, और कोंगी ये बिलीव करता है कि यही रास्ता है अपनी इमेज को बिल्ड करने का इस्मालैंड के माइंड में इन पर्टिकुलर और अफ्रीका के माइंड में इन जनरल। अब थ्रू आउट द प्ले कोंगी जो है वो डनलोला को पद से हटाने की कोशिश करता है और पहले के राजा की हुकूमत को भी। डनलोला लोगों के नेचर के ऊपर रोशनी डालता है, यानी अफ्रीकन पीपल के ऊपर। ये लोग बहुत ही सुपरस्टिशियस हैं और ये लोग हिम्मत नहीं कर सकते हैं एक भी वर्ड बोलने के किंग डनलोला के बारे में, क्योंकि डनलोला के पास है स्पिरिचुअल पावर, और अगर इन लोगों ने डनलोला के खिलाफ कुछ भी बोला तो गॉड से उन्हें सजा मिलेगी। और लोगों के इसी नेचर की वजह से तो किंग डनलोला ने कई साल तक इस्मालैंड पर राज किया था बिना किसी कंस्ट्रक्टिव काम को किए, यानी कि बिना किसी डेवलपमेंट के इस्मालैंड में, बजाय इसके करप्शन को सोसाइटी के सभी सेक्टर्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में भी फैला दिया गया। खास तौर से जो लोग ओल्ड अवेरी में रहते थे वो लोग इंजॉय करते थे अथॉरिटेटिव पोजीशंस, और किसी भी आम इंसान को नहीं कांटेक्ट करने देते थे किंग से। सोसाइटी के अंदर कोई भी काम नहीं किया जा सकता था बिना रिश्वत दिए, तो ऐसी सिचुएशन में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आए और चेंज करे सिस्टम को। लेकिन कोंगी के किंग बनने से भी कोई उम्मीद नहीं जागी इस्मालैंड के लोगों के माइंड्स में, सिर्फ इल्यूजन्स बना, यानी कि ये चीज रियलिटी में नहीं है, सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन है उसकी अच्छी इमेज का, जबकि कोंगी तो कुछ और ही है। कोंगी ने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के बजाय इम्पोर्टेंस दी है इमेज बिल्डिंग को एंड 5-year प्लान को। कोंगी सिर्फ इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी चाहता था, लेकिन ये अवेरी के लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं और ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। ये डिस्कस नहीं करते हैं सेशंस को, और ज्यादातर लोग सो जाते थे और हमेशा फिक्रमंद रहते थे खाना खाने के बारे में। इससे इन लोगों के ग्रीडी नेचर का पता लगता है, और ये लोग सिर्फ कोंगी से ही क्लोज रहना चाहते थे। फाइनली कोंगी को क्रिटिसाइज करके हम नहीं कह सकते कि ओबा डनलोला एक अल्टरनेटिव लीडर है इस्मा के लोगों के लिए, क्योंकि डनलोला यहाँ राजा बना है ट्रेडिशनल रूट्स को पकड़कर। पूरे प्ले के दौरान ओबा डनलोला और उसके आदमी मॉक करते हैं कोंगी पर और उसके रास्तों पर, लेकिन डनलोला को भी तो इस प्ले में एक सही लीडर की तरह नहीं दर्शाया गया है इस्मालैंड की डेवलपमेंट के लिए। तो इस ड्रामा कोंगीज हार्वेस्ट में वोले सोयंका ने क्लियरली बताया है तस्वीर अफ्रीकन कंट्री की इस्मालैंड के हालातों के जरिए आजादी के बाद, जहां पर वोले सोयंका ने अफ्रीकन कल्चरल वैल्यूज को ढूंढने की कोशिश की है डनलोला और कोंगी के कोर्ट में। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये लोग अपनी ही कमिटमेंट्स पर खड़े नहीं उतरे हैं। अब समरी तो यहाँ पर खत्म हो गई दोस्तों, लेकिन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट कोंगीज हार्वेस्ट,